हल्की सी बारिश हो रही है, लाइट सी ट्रैफिक है, बड़ा खुशगवार मौसम है। अभी मैं शेल के पेट्रोल पंप पे रुका हूँ। मैंने सोचा थोड़े से शीशे जो हैं वो साफ कर लिए जाए। वेलकम बैक टू अनदर ट्रकिंग ब्लॉग, वेलकम बैक टू 2023। ये 2023 का हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। आई होप कि ये खुशगवार मौसम ऐसा ही रहे सारा साल और हमारे लिए अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए। तो ट्रक आप मेरे पीछे खड़ा हुआ देख सकते हैं, फर्स्ट लोड हमने लोड कर लिया है। काफ़ी भाइयों के सवालात आ रहे थे कि जैसे वीज़ा कैसे लगेगा, ट्रकिंग लाइसेंस कैसे ले सकते हैं और टैकोग्राफ क्या होता है। तो आई होप कि इस व्लॉग में आपको इन सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे टाइम मिला तो, प्रॉमिस नहीं करूँगा। फटाफट से ट्रक में बैठते हैं क्योंकि तकरीबन 7:45 का टाइम हो गया और हमें जाना है फर्स्ट लोड उतारने। तो फर्स्ट लोड उतार के फिर आपसे बाकी गपशप होती है। वेलकम बैक विद कैमरामैन के साथ। आप भी कहते होंगे सुबह से हुई शाम, शाम से हुई रात है, बंदा नजर नहीं आया। दोबारा फर्स्ट लोड उतार के सेकंड उतारा, थर्ड उतारा और आपको पता ही है इस वक्त किधर हूँ। आप मेरे पीछे ट्रक लगा हुआ देख सकते हैं। हम आ चुके हैं बिरगा और बिरगा का मौसम है इस वक्त कमाल, फैंटास्टिक, जबरदस्त। बादल हुए हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे पीछे से मैं आया हूँ आपने देखा होगा अभी टाइम लैप्स में भी के धूप निकली हुई थी और जैसे ही मैं बिरगा में एंटर हुआ हूँ तो बादल ही बादल, धूप नहीं है। बड़ा अच्छा मौसम, प्यारा मौसम हुआ है। मौसम तो ज़बरदस्त हुआ है पर मसला ये है कि अभी हमारा काम ज़बरदस्त नहीं हुआ, अभी काम रहता है थोड़ा सा। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये वो कंप्यूटर है जिसके हम टिकटें स्कैन करते हैं और जितने जितने पाले या ट्रालियाँ उतारते हैं वो सारी स्कैन करके उतारते हैं। तो बादल तो अच्छे हैं, मौसम भी अच्छा है, पर यह है कि काम ख़त्म नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि अब जो फटाफट से लोड उतारा जाए, लोड उतार के तो फिर हम आपके साथ गपशप लगाते हैं। बाकी आप बने रहे वीडियो में और मुझे कमेंट करके बताएं कि अभी तक की वीडियो आपको कैसी लग रही है। अच्छी है तो ज़बरदस्त है, तो ज़बरदस्त है तो कमाल है, कमाल है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर है, ठीक है। लोड उतारते हैं, लोड उतार के आज हम गपशप लगाएंगे लाइसेंस के बारे में कि लाइसेंस कैसे बनाया जाएगा ट्रकिंग का, ठीक है। वो मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। जो आंटी आप मेरे पीछे देख रहे थे कि बार बार कैमरे की तरफ देख रही है, वो अभी भी इधर ही खड़ी हुई है, शायद आप मेरे पीछे देख सकते हैं। वो बड़ी हैरान होकर देख रही है कि ये पागल तो नहीं है, कैमरे के साथ बातें कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। बहरहाल चलते हैं, लोड उतारते हैं फटाफट। हाँ जी, लोड उतर गया और आपने देखे ही है जैसे टाइम लैप्स। तो अब आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ, अब आपसे बात करते हैं ट्रक लाइसेंस कैसे किया जाएगा। हाँ जी, तो मुद्दा ये है कि ट्रक लाइसेंस करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है आपका लीगल स्टेटस होना। अगर आपके पास लीगल स्टेटस है तो फिर ही आप लाइसेंस कर सकते हैं। स्पेन में टूरिज्म वीज़े पर या विजिटर वीज़े पर लाइसेंस आप नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग, आपके पास गाड़ी का लाइसेंस होना लाजमी है। गाड़ी का लाइसेंस कैसे पास किया जाएगा, उसके लिए जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, पहले आप थ्योरिकल टेस्ट देंगे, एक मरतबा फीस दे के आप दो इम्तिहान दे सकते हैं। दो इम्तिहान देने से मुराद कि अगर आपने थ्योरी की फ़ीस दी और आपने थ्योरी को पहली दफ़ा ही पास कर लिया, ठीक है, तो आपके पास प्रैक्टिकल में दो चांस हैं, ठीक है। और अगर आपने थ्योरी की फ़ीस दी और आप पहली मरतबा फेल हो गए, फिर आप उसी फीस में दूसरी मरतबा थ्योरिकल टेस्ट दे सकते हैं। सेम गोज़ विद द प्रैक्टिकल, अगर आपने फीस दी और आप पहली मरतबा पहली अटैम्प्ट में फेल हो गए, आप उसी फीस में सेकंड अटैम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको दोबारा फीस देनी पड़ेगी। तो ये हो गया गाड़ी का लाइसेंस। और ट्रक का लाइसेंस करने के लिए आपको एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आपके पास पुराना एक्सपीरियंस नहीं है। पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी और एशियन कंट्री से आ रहे हैं और अगर आपके पास पुराना ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो वो आप
इसमें काउंट करवा सकते हैं। जब आप कार का लाइसेंस यहाँ पर करेंगे तो आपका पुराना एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट हो सकता है। उसके लिए सर्टेन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। एक साल इंतज़ार करने के बाद आप ट्रक के लाइसेंस का सफ़र शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, मेडिकल टेस्ट। आप जाएंगे किसी भी मेडिकल सेंटर में, ठीक है, वहाँ पर आप देंगे एक फ़ीस, मेरे ख्याल से 50 यूरो के लगभग है। वो आपकी आई साइट चेक करेंगे और कुछ पल्स वगैरह चेक करेंगे, इस तरह का जो है वो चेक वगैरह होगा। मेडिकल टेस्ट हो जाने के बाद पॉइंट नंबर टू, थ्योरिकल टेस्ट। थ्योरिकल टेस्ट में आपके पास आएंगे 20 सवाल, 20 में से आपने 18 ठीक करने हैं और 2 की गुंजाइश है आपको। थ्योरी टेस्ट पास हो जाने के बाद पॉइंट नंबर थ्री, आप प्रैक्टिकल टेस्ट में जाएंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट कैसे किया जाएगा, आप किसी भी स्कूल का इंतखाब कर सकते हैं और उस स्कूल में जाकर आप लेसन ले सकते हैं। और अगर आपको ड्राइविंग अच्छी लगती है या आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है ड्राइविंग में, तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। लेसन्स लेंगे, लेसन्स लेके आप प्रैक्टिकल टेस्ट में जाएंगे। इनसाइड द प्रैक्टिकल टेस्ट देर आर टू टेस्ट। वो क्या मतलब, मतलब ये कि पहला टेस्ट होगा आपका रिवर्स का, रिवर्स करके डॉक पे लगाने का। फिर सेकंड टेस्ट होगा आपका रोड टेस्ट। और अगर आप दोनों ये टेस्ट पास कर जाते हैं उसके बावजूद भी आप ट्रक नहीं चला सकते, तो बोलते हैं ड्राइवर क्वालिफिकेशन कार्ड, ठीक है, उसका होना लाजमी है। और जब तक आपके पास वो ड्राइवर क्वालिफिकेशन कार्ड नहीं होगा, इवन दो आपने लाइसेंस ट्रक का सारा कंप्लीट कर लिया, उसके बावजूद आप ट्रक नहीं चला सकते। हाँ जी, तो बबर शेरो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी सारी बात की समझ आ गई होगी कि ट्रकिंग लाइसेंस तक कैसे पहुंचा जाए और ट्रकिंग कैसे स्टार्ट की जाए। सबसे पहले आपके पास गाड़ी का लाइसेंस होना लाजमी है, ठीक है। गाड़ी का लाइसेंस आप कर लेते हैं, आपको एक साल का इंतज़ार करना है। और मेरी सजेशन ये है कि वो जो एक साल का इंतज़ार आपने करना है, उसमें आप ड्राइवर क्वालिफिकेशन कोर्स वो स्टार्ट कर दें। जब आपके पास वो होगा, उसके बाद के जितने भी स्टेप्स हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। जैसे कि ट्रक का सबसे पहला थ्योरिकल टेस्ट, फिर प्रैक्टिकल टेस्ट, और ट्रेलर का भी सेम गोज, थ्योरिकल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट। मेडिकल इन सब चीज़ों के लिए होना लाजमी है। हाँ जी बबर शेरो, तो बात ऐसी है कि जितना मुश्किल ये लगता है उतना मुश्किल ये है नहीं है, पर इतना आसान भी नहीं है कि चुटकी मारने से मिल जाए। मेरा ख्याल ये है कि आप अपने दिल लगाकर पढ़ाई करें, मेहनत करते रहें, ट्रक लाइसेंस पास कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड प्रोफेशन एज वेल। ट्रक ड्राइवर की जरूरत है, आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पे चले जाएं, ट्रक ड्राइवर की जॉब खत्म नहीं हो सकती फॉर द टाइम बीइंग। हमें नहीं पता कि टेस्ला क्या निकाल रहा है, यहाँ स्विट्जरलैंड में बगैर ड्राइवर के ट्रक जाएगा, दिस एंड दैट, ठीक है, उन बातों का मुझे नहीं पता, पर एट द टाइम, ठीक है, इस टाइम, इस मौजूदा टाइम में ट्रक ड्राइवर की सबसे ज्यादा जरूरत है। और ट्रक ड्राइवर की जॉब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको मिल जाती है, ठीक है। मेहनत करें, दिल लगा के पढ़ाई करें, आप इसको ले सकते हैं। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई बंदा कर नहीं सकता। तो टाइम काफी हो गया, शाम होने लग पड़ी है, 5:30 का टाइम हो गया। अब मेरा ख्याल है कि यहां से निकलते हैं। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में। टिल देन, रब रखा।